दोस्तों आज का ये वीडियो अगेन है हेयर कलर के रिलेटेड, लेकिन आज के इस वीडियो में हम हेयर कलर पर बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं ब्लॉन्डर पर, स्पेशली वेला ब्रांड के ब्लॉन्डर पर कि वेला में कितने अलग अलग टाइप के ब्लॉन्डर है, आपको किस सिनेरियो में कौन सा ब्लॉन्डर यूज करना है, ब्लॉन्डर का मिक्सिंग रेशियो क्या, किस डेवलपर के, किस वॉल्यूम के डेवलपर के साथ उसे यूज करना है, ऐसी बहुत सारी डिटेल में हम बात करने वाले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन ब्लॉन्डर के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, मुझे यकीन है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। बाकी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, और हो सके तो बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिले, और ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल से थम्स अप भी करें और कमेंट्स भी जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों याद रखिए, कमेंट्स जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्रेनिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये ब्लॉन्डर या प्रीलाइटनर एग्जैक्टली क्या है। यानी सपोज आप कहीं सलून में इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लॉन्डर, व्हाट इज ब्लॉन्डर, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको एक सिंपल आंसर देना है कि ब्लॉन्डर ये एक प्रीलाइटनर है जो आपके बालों को लिफ्ट करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बाल 3 नंबर के और आपको बालों पर 7 नंबर तक या 8 नंबर तक बालों को लेके जाना है, तो उस केस में आप प्रीलाइटनर या ब्लॉन्डर यूज कर सकते हो। यानी ब्लॉन्डर क्या करता है, लिफ्टिंग का काम करता है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये बालों में जो मेलानिन या बालों में जो पिगमेंट्स है वो पिगमेंट्स को रिमूव करने का काम करता है, जिससे आपके बाल लिफ्टिंग हो जाते हैं। यानी ये एक तरह का कलर रिमूवर भी है और बालों को लिफ्ट करने का भी काम करता है। ये है बेसिक और सिंपल डेफिनेशन इस ब्लॉन्डर या प्रीलाइटनर का। इसके बाद जो नेक्स्ट और एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि आपको प्रीलाइटनर या ब्लॉन्डर कब यूज करना है, तो इसका भी आंसर एकदम सिंपल है, जब भी आपको 3 या 4 लेवल के ऊपर जाना है उस केस में ही आपको ब्लॉन्डर यूज करना है। अगर आपको 1 या 2 लेवल ऊपर जाना है, यानी सपोज आपके बाल 3 नंबर के और आपको अगर समझो 4 या 5 नंबर का कलर करना है, तो उस केस में आपको ब्लॉन्डर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कलर के साथ प्ले कर सकते हो। लेकिन सपोज आपके बाल 3 नंबर के और आपको 8 नंबर पर जाना है, तो उस केस में आपको ब्लॉन्डर यूज करना है, क्योंकि डेवलपर और कलर आपको 4 या 5 लेवल के ऊपर लिफ्टिंग नहीं देता है। अगर आपको ये 4 या 5 लेवल के ऊपर लिफ्टिंग चाहिए तो उस केस में आपको प्रीलाइटनर का यूज करना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कि ब्लॉन्डर के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल होता है जो आपके बालों को लिफ्ट करता है, और उस केमिकल का नाम है एमोनियम परसल्फेट। यानी ये एमोनिया का ही एक भाई है जो आपके बालों को लिफ्टिंग करने का काम करता है। अब आते हैं वेला के ब्लॉन्डर की तरफ, यानी वेला में कितने अलग अलग टाइप के या कौन कौन से ब्लॉन्डर अवेलेबल है। तो दोस्तों याद रखिए कि वेला में टोटल 3 अलग अलग टाइप के ब्लॉन्डर है, जिसमें से पहला ब्लॉन्डर है आपका सॉफ्ट ब्लॉन्डर। यहाँ पर फोटो देखिए, ये आपका है सॉफ्ट ब्लॉन्डर। उसी तरह जो 2nd नंबर का ब्लॉन्डर है वो है आपका मल्टी ब्लॉन्ड ब्लॉन्डर, जो उनका एक हीरो प्रोडक्ट है। वैसे ही ये देखिए तीसरा जो प्रोडक्ट है, ये है उनका ब्लॉन्डर प्लेक्स। यानी टोटल 3 ब्लॉन्डर है, फर्स्ट इज योर सॉफ्ट ब्लॉन्ड, सेकेंड इज योर मल्टी ब्लॉन्ड एंड थर्ड इज योर ब्लॉन्डर प्लेक्स। ऐसे 3 ब्लॉन्डर्स अवेलेबल है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इजी एकदम क्वेश्चन जो आता है या सवाल जो आता है कि ये इतने 3 अलग अलग ब्लॉन्डर क्या है और उनके क्या क्या यूज है, या किस सिनेरियो में कौन सा ब्लॉन्डर यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला ब्लॉन्डर जो है आपका मल्टी ब्लॉन्ड ब्लॉन्डर। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका है फर्स्ट ब्लॉन्डर, दैट इज मल्टी ब्लॉन्ड ब्लॉन्डर। ये जो ब्लॉन्डर है ये आप 20 वॉल्यूम के साथ भी यूज कर सकते हो, 30 वॉल्यूम के साथ भी यूज कर सकते हो, 40 वॉल्यूम के साथ भी। यानी आप इसे कोई भी ब्लॉन्डर, कोई भी डेवलपर के साथ यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है ये ब्लॉन्डर आपको कब यूज करना है, जब भी आपको अराउंड 7 लेवल तक लिफ्टिंग चाहिए। यानी ये ब्लॉन्डर आपको 7 लेवल तक लिफ्टिंग देता है, और इसके अंदर कुछ कूल पिगमेंट्स भी है जो आपके येलो टोन को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज भी करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सेलिंग ब्लॉन्डर बाय वेला। यानी वेला का सबसे ज्यादा चलने वाला अगर कोई ब्लॉन्डर था तो ये ब्लॉन्डर है जो आपको 7 लेवल तक लिफ्ट देता है। बाकी इसे प्रैक्टिकली मैं अगर रिकमेंड करूँ
तो आप इसे 20 वॉल्यूम के साथ ज्यादातर यूज करें, क्योंकि 20 वॉल्यूम के साथ यूज करने से आपके बाल कम से कम डैमेज हो गए, और इसके साथ आप हो सके तो वेला प्लेक्स जरूर यूज करें। वैसे ये देखिए, ये उनका सेकेंड ब्लॉन्डर है, दैट इज ब्लॉन्डर प्लेक्स। यानी ये ब्लॉन्डर क्या है, इसके अंदर आपका ब्लॉन्डर भी है और साथ में यहाँ पर देखिए प्लेक्स भी है, यानी इसके साथ आपको कोई भी ओला प्लेक्स या वेला प्लेक्स यूज करने की जरूरत नहीं। और सेकेंड इसकी खासियत है कि ये आपको 9 लेवल तक लिफ्ट देता है, यानी ये आपका पुराना जो ब्लॉन्डर था मल्टी ब्लॉन्ड, ये आपको 7 लेवल तक लिफ्ट देता है, वेरस ये जो ब्लॉन्डर है ये आपको 9 लेवल तक लिफ्ट देता है। ये सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस इन दो ब्लॉन्डर में। और जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि इस ब्लॉन्डर के अंदर प्लेक्स है, वेरस इस ब्लॉन्डर के अंदर प्लेक्स अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये वाला ब्लॉन्डर यूज करना चाहिए क्या ये वाला ब्लॉन्डर यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको लिफ्टिंग कम चाहिए, यानी आपको सपोज से लाइक 4 या 5 लेवल तक की लिफ्टिंग चाहिए, तो उस केस में आप ये वाला ब्लॉन्डर भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए, जैसे कि 8 लेवल या 9 लेवल की लिफ्टिंग, तो उस केस में आप ये वाला ब्लॉन्ड यूज करो। ये वाले ब्लॉन्डर की इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें प्लेक्स भी है और ये लिफ्टिंग भी ज्यादा देता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि लिफ्टिंग की वजह से क्लाइंट के बाल कम से कम डैमेज होंगे। यानी इस ब्लॉन्डर का एक्चुअली इन्होंने बताया कि ये आपके बालों को 97% तक प्रोटेक्ट करता है, वेरस इस बाल इस ब्लॉन्डर के अंदर प्लेक्स नहीं होने के कारण ये प्रोटेक्शन कम से कम देगा। अगर इसके साथ आपको प्रोटेक्शन चाहिए, बालों का प्रोटेक्शन, तो आपको प्लेक्स का प्रोडक्ट यूज करना होगा। वैसे ही फाइनली ये वाला ब्लॉन्डर देखिए, ये उनका थर्ड वाला ब्लॉन्डर है। इस ब्लॉन्डर का नाम है सॉफ्ट ब्लॉन्ड। यहाँ पर देखिए ये लिखा है सॉफ्ट ब्लॉन्ड। ये ब्लॉन्डर बेसिकली क्रीम बेस्ड ब्लॉन्डर है जो आप स्काल्प के लिए यूज कर सकते हो। यानी ये अगर आपको स्काल्प से लिफ्टिंग चाहिए तो उस केस में ये वाला ब्लॉन्डर आपके लिए बेस्ट रहेगा। वेरस अगर आप हाईलाइट शेव करते हो तो आप इसमें से कोई भी दो ब्लॉन्डर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रूट्स से लेके या रूट्स के यहाँ पर लाइटनिंग करना है तो उस केस में आप ये वाला ब्लॉन्डर यूज करें। लेकिन ये वाला ब्लॉन्डर आपको सिर्फ 20 वॉल्यूम के साथ या 10 वॉल्यूम या कोई उससे लोअर वॉल्यूम यूज कर सकते हो। याद रखिए दोस्तों, वेला में 3 अलग अलग ब्लॉन्डर है, जिसमें से एक ब्लॉन्डर है सॉफ्ट ब्लॉन्डर जो आप स्काल्प के यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपको रूट से लाइटनिंग करनी है तो उस केस में आप सॉफ्ट ब्लॉन्डर यूज करते हो। तो यहाँ पर सॉफ्ट ब्लॉन्डर का मैं आपको और एक एडवांटेज बताता हूँ कि किसी क्लाइंट को इचिंग का इश्यू है या स्काल्प में कुछ थोड़ा सा उनका स्काल्प थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सेंसिटिव है, तो उस केस में ये वाला ब्लॉन्डर आप यूज करो। ये वाला ब्लॉन्डर आपको कम से कम स्काल्प को डैमेज करेगा या रूट्स को डैमेज करेगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो 97% तक आपके स्काल्प को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर किसी क्लाइंट के स्काल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या उन्हें इचिंग, रेडनेस, एलोपेशिया से कोई बीमारी है, तो उस केस में मैं रिकमेंड करता हूँ आप कोई भी ब्लॉन्डर स्काल्प पर ना लगाए। यानी अगर आपको कोई भी ब्लॉन्डर यूज करना है, इधर ये वाला ब्लॉन्डर हो या ये वाला ब्लॉन्डर हो या ये वाला ब्लॉन्डर हो, तो आपको हमेशा क्लाइंट का बालों का स्काल्प का ध्यान रखना है या उसको एनालाइज करना है बिफोर गोइंग फॉर प्री लाइटनिंग सर्विस। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं जिनके बाल पहले से डैमेज है और उन्हें प्री लाइटनिंग करके कलर करना है, तो उन्हें बताइए कि उनके बाल डैमेज है, तो डैमेज बालों पर प्री लाइटनर का यूज ना करें, आप हमेशा कलर के साथ प्ले करें। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो डेवलपर के बारे में, आपको किस ब्लॉन्डर के साथ कौन सा डेवलपर यूज करना है। तो देखिए, वेला में टोटल 5 अलग अलग टाइप के ब्लॉन्डर्स है, जिसमें 3 उनके वेलेक्सटॉन नाम से है और 2 कलर टच इमल्शन के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग जो वेलेक्सटॉन के 3 ब्लॉन्डर डेवलपर देखते हैं, जिसमें से एक डेवलपर है 20 वॉल्यूम, दूसरा है 30 वॉल्यूम, तीसरा है 40 वॉल्यूम। ये 3 डेवलपर आपको वेलेक्सटॉन के अंदर मिलते हैं। और जो 2 अलग है वो है कलर टच इमल्शन, जो डेवलपर आप आइदर वो 6 वॉल्यूम में अवेलेबल है और 13 वॉल्यूम में अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। यानी किसी क्लाइंट के बाल थोड़े सेंसिटिव है तो उस केस में आप 4% दैट इज 12-13 वॉल्यूम का जो डेवलपर है कलर टच इमल्शन का, वो आप यूज करें ताकि बाल कम से कम डैमेज हो। भले उससे लिफ्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बाल को ज्यादा से ज्यादा वो प्रोटेक्शन देगा, यानी बालों को कम से कम डैमेज करेगा। तो आपको हमेशा डेवलपर यूज करते वक्त याद करना है
याद रखना है कि आपको बालों को देखकर एनालाइज करके डेवलपर यूज करना है। और स्काल्प के यहाँ पर याद रखिए आपको 20 वॉल्यूम से ज़्यादा डेवलपर नहीं यूज करना, मैक्स टू मैक्स 20 वॉल्यूम। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आप हाईलाइट्स भी करते हो, यानी ब्लॉन्डर के साथ आपको हाईलाइट्स करना है, तो उस केस में आप स्टार्ट 20 वॉल्यूम से ही करें। 20 वॉल्यूम आपके स्काल्प को या बालों को कम से कम डैमेज करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ब्लॉन्डर को आपको कितना रेशो में मिक्स करना है डेवलपर के साथ। तो यहाँ पर ब्लॉन्डर को और कलर का जो मिक्सिंग रेशो है, ये चार अलग अलग रेशियोज है, जिसमें से एक रेशियो है 1:1, दूसरा रेशियो है 1:1.5, तीसरा जो रेशियो है वो है 1:2, और जो लास्ट फोर्थ है वो है 1:3। तो जिसमें से 1:1 और 1:1.5 ये हम जनरली यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं 1:2। यानी अगर किसी क्लाइंट के बालों पे कोई भी केमिकल नहीं है, वर्जिन हेयर है, ओके, उन्होंने कभी डाई नहीं लगाया, मेहंदी लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तो वैसे बालों पे आप 1:2 का रेशियो में ब्लॉन्डर और डेवलपर मिक्स करें और 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ प्ले करें। लेकिन अगर किसी क्लाइंट ने बालों पे पहले से ही प्लेटनिंग किया है और उनके बालों का जो एग्जिस्टिंग कलर है वो आपको रिमूव करना है, आपको कोई लिफ्टिंग नहीं करना, सिर्फ कलर रिमूविंग का काम करना है, तो उस केस में आप इस डेवलपर को और जो ब्लॉन्डर है उसका मिक्सिंग रेशियो आप यूज़ करोगे 1:3। यानी अगर आपने 1 ग्राम ब्लॉन्डर लिया तो उसमें आपको 3 ग्राम डेवलपर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ब्लॉन्डर की पावर को कम कर रहे हो, जिससे क्या होगा वो लिफ्टिंग कम करेगा और कलर को रिमूव करने का काम ज़्यादा करेगा। सो याद रखिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि ये चार अलग अलग मिक्सिंग रेशियो है, जिसमें से आप दो ही मिक्सिंग रेशियो यूज़ करें, एक है 1:2 और दूसरा है 1:3, जिसमें 1:2 का भी यूज़ करना है आपको जब भी आपको लिफ्टिंग करना है, और जब भी आपको कलर रिमूव करना है तो 1:3 का रेशियो यूज़ करें। बाकी जनरल जो डेवलपमेंट टाइम होता है, यानी कलर आपने ब्लॉन्डर बालों पे रखा है लगाया सॉरी आपने ब्लॉन्डर बालों पे लगाया तो उसके बाद आपको कितना देर रहा देखना है, वो जनरली आपका विजुअल चेक होना चाहिए। लेकिन मैक्स टू मैक्स एक सीटिंग में आपको ब्लॉन्डर को हार्डली 50-60 मिनट तक बालों पर रखना है, उससे ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो हो सकता है क्लाइंट के बाल डैमेज हो जाए। फाइनली बात करते हैं कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाइज ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है और किस तरह से लास्ट में कलर भी करना है। तो सबसे पहले आपने सपोज कोई भी ये तीनों में से, ये आपके पास तीन अलग अलग ब्लॉन्डर है, तीनों में से आपने कोई भी ब्लॉन्डर लिया, डेवलपर के साथ मिक्स किया, बालों पे लगा दिया, फिर उसको आपने सपोज रखा 45-50 मिनट्स तक और आपको जो डिज़ायर लेवल चाहिए था वो लेवल मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट के बालों को अच्छी तरह पहले प्लेन वाटर से रिंस करना है, फिर उसके बाद आपको बालों को शैम्पू करना है। तो यहाँ पर आपके पास वेला के अकॉर्डिंग दो शैम्पू अवेलेबल है, एक आप कलर मोशन का शैम्पू यूज़ कर सकते हो जो वेला ब्रांड का है, और सेम वेला ब्रांड का और एक शैम्पू है दैट इज़ कलर ब्लेंस, आप दोनों में से कोई भी शैम्पू से बालों को वॉश करें। और उसके बाद बालों को प्रोटेक्शन के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्लॉन्डर सील एंड केयर कंडीशनर यूज़ करें, जो आपके बालों की कंडीशन को इम्प्रूव करेगा आफ्टर प्लाइटनर, और फिर उसके बाद आप कलर डिपॉजिट करें। यह है बेसिक और सिंपल प्रोसेस, किस तरह से ब्लॉन्डर यूज़ करना है और किस तरह से बाद में कलर को डिपॉजिट करना है। मैं अगेन आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट क्या करना है आपको, बालों को प्रीलाइटनिंग करना है ब्लॉन्डर से, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग के लिए बालों को रखना है, फिर आपको जो डिज़ायर अंडरकोट या डिज़ायर कलर का शेड आपको जो लेवल चाहिए वो आ गया, उसके बाद आपको बालों को प्लेन वाटर से रिंस करना है। रिंस होने के बाद आपको, जैसे मैंने दो शैम्पूज बताए, एक कलर मोशन और दूसरा जो शैम्पू है वो कलर ब्लिस, उस दोनों में से कोई भी शैम्पू से बालों को वॉश करना है, फिर उसके बाद सील एंड केयर प्रोडक्ट जो कंडीशनर है वो लगाना है, और फिर उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करना है। और कलर आप ड्राई बालों पे भी डिपॉजिट कर सकते हो या वेट बालों पर भी डिपॉजिट करते हो, ये आपकी चॉइस है। वैसे ही सपोज आप ये वाला जो ब्लॉन्डर फ्रैक्स नाम का प्रोडक्ट है उससे अगर आप प्लेटनिंग करते हो तो थोड़ी सी स्टेप आपकी चेंज होगी, यानी पहले आप क्या करोगे, ये ब्लॉन्डर लोगे, इस ब्लॉन्डर से आप बालों को प्लेटनिंग करोगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्लेक्स, ये फ्लेक्स क्या करता है, आपके बालों को डैमेज नहीं होने देता है ब्लॉन्डर के बाद। तो आपको पहले उस
ब्लॉन्डर से आपको कलर करना है यानी बालों पे लगाना है ये ब्लॉन्डर, फिर बाद में आपका जो डिज़ायर शेड है या डिज़ायर अंडरटोन आपको जो अचीव हुआ है या डिज़ायर लेवल आपको मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट के बालों को अगेन प्लेन वाटर से रिंस करना है, लेकिन उसके बाद शैम्पू नहीं करना है। आपको क्या करना है, वेला प्लस का जो नंबर टू का प्रोडक्ट, ये देखिए नंबर टू का प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट बालों पर लगाना है और उसे रखना है 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद शैम्पू करना है एंड सिलेन केयर कंडीशनर यूज करना है। तो ये थोड़ा सा ही एक डिफरेंस है ब्लॉन्डर प्लस ब्लॉन्डर के साथ कलर करना या नॉर्मल मल्टी ब्लॉन्ड ब्लॉन्डर से कलर करना। आई होप दोस्तों अब आपको ये वेला के जो ब्लॉन्डर्स है इनके बारे में आइडिया आ गई भी होगी कि ये ब्लॉन्डर कितने अलग अलग टाइप्स के हैं, इन तीनों ब्लॉन्डर में क्या क्या डिफरेंस है और किस कंडीशन में आपको कौन सा ब्लॉन्डर यूज़ करना है और कलर और ब्लॉन्डर की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, ये अब आपको अच्छी तरह पता चल गई है। बाकी दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे जैसे मैंने कहा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक थम्स अप करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।